नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोइबा 3 दिवसीय दौरे पर आज भारत आएंगे, जहां वे भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने मित्रतापूर्ण संबंध को और मजबूत बनाने के उपायों पर पीएम मोदी व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। आज पीएम मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। आज से 3 अप्रैल तक अलग अलग शहरों में बैंक में कामकाज बंद रहेगा, जहां बैंकों की सालाना क्लोजिंग के चलते लगभग सभी राज्यों में बैंक में सामान्य कार्य नहीं किए जाएंगे। आज से नेशनल हाईवे पर वाहनों के टोल टैक्स में इजाफा होगा, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाइट व्हीकल्स के लिए 10 रुपये से कमर्शियल व्हीकल के लिए 65 रुपये तक चार्ज बढ़ाया है। आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनमें LPG गैस सिलेंडर, बैंक अकाउंट, PF अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित होम लोन में दी जाने वाली छूट खत्म करना भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में आज से परिवहन विभाग सभी से विद पेनल्टी के साथ टैक्स वसूलेगा। जो लोग टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आज से स्कूल का टाइम टेबल बदल जाएगा, जहां ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक स्कूल खुलेंगे, वहीं दूसरी पारी में 12:30 बजे से 6 बजे तक स्कूल चलेगी। हिमाचल प्रदेश में आज से अंग्रेजी शराब महंगी हो जाएगी, हालांकि देसी शराब सस्ती हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज से लेकर 6 अप्रैल तक किया जाएगा। 2 साल के अंतराल के बाद आज से कटनी भुसावल कटनी पैसेंजर ट्रेन पटरी पर एक बार फिर से दौड़ने लगेगी, जहाँ स्लीपर और AC कोच भी होगा। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां इस विशेष सत्र में केंद्रीय सेवा नियम संबंधी नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। आज से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नाम बदल जाएगा, जहां यह बैंक अब JRCB बैंक के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में 12 साल बाद बोर्ड पैटर्न आज से फिर शुरू होगी, जहां 5वीं से 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड के थ्रू लिया जाएगा और यह परीक्षा आज से 9 अप्रैल के बीच होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की इच्छा पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां राबड़ी देवी बोली, बिहार की राजनीति छोड़कर चले जाएं दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक ऑटो को रवाना किया। दिल्ली में पर्यावरण को सुधारने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा के कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के दौरान ही शिकायत मिलने पर पटवारी को सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने NH 72 पावटा साहेब बल्लूपुर के लिए मंजूर किए 1093.1 करोड़ रुपए, जहां सीएम धामी ने व्यक्त किया आभार। झारखंड में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी फिर से बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। वर्तमान वित्त वर्ष में उन्होंने 38 करोड़ रुपए का अग्रिम कर जमा किया है। जम्मू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 कर्मचारी बर्खास्त किए गए, जहां इन मामलों में अब तक 30 पर हो चुकी है कार्रवाई। बंगाल सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी तनातनी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा तलब किए जाने के बाद राज्य के मुख्य सचिव और वित्त सचिव उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जिसके बाद राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबी चर्चा की। उड़ीसा में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां वर्ष 1936 में 1 अप्रैल को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। महाराष्ट्र सरकार में शामिल 3 दलों में खींचतान लगातार बढ़ रही है, जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस के असंतुष्ट 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को उत्तर और मध्य गुजरात में जनसभाओं को संबोधित कर आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे।
जयपुर और चित्तौड़गढ़ की पुलिस ने जयपुर दहलाने की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बम बनाने के उपयोग के 10 किलो RDX तथा टाइमर बरामद किया है। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। जनपद संभल में SDM तथा नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों से कब्जा मुक्त कराया गया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ के कुलपहाड़ तहसील में किसानों की मां समान कृषि योग्य भूमि पर नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा प्लास्टिक व कूड़ा कचरा डाल देने के कारण किसान परेशान है, जिसको लेकर किसानों ने कई बार कर्मचारियों से शिकायत भी की है, लेकिन कर्मचारी दादागिरी दिखाते हुए वहीं पर कचरा डालकर चले जाते हैं। चीकू के फल के बीज को पीसकर खाने से गुर्दे की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर निकल आती है, साथ ही यह गुर्दे के रोग से भी बचाता है। कोलकाता के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद RCB के नए कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मैच खत्म करने वाले दिनेश कार्तिक की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने खुद किया बेटे आहिल का हेयर कट और इसे अपना नया प्रोफेशन बताया। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।